19 अप्रैल के बाद से स्ट्रॉन्ग रूम्स जो हमारे उमाकांता एकेडमी में है, इसमें 14 असेंबली सेगमेंट्स के ईवीएम स्टोर किए जा रहे हैं। इस ईवीएम की स्टोरेज के लिए ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, और जो अंदर का कॉर्डन है उसको जो सीआरपीएफ के जवान हैं उसकी एक पूरी प्लाटून जो है उसको सिक्योर रखी हुई है। आप देख सकते हैं जगह जगह उन्होंने हर पोलिंग असेंबली सेगमेंट के आगे उनकी संतरी पोस्ट है, और ये पूरा जो पूरा परिवेश जो है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, और 24x7 इलेक्ट्रिकल बैकअप है। इसके साथ साथ 3 से 4 गैजेटेड ऑफिसर्स भी हमेशा मौजूद रहते हैं, अगर कोई मूवमेंट होता है जैसे पोस्टल बैलेट का तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके उसको किया जाता है। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी एजेंट्स आते हैं, मैं देख रहा था कि डेली बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी लोग आके यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट और ईवीएम्स की निगरानी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सभी के रहने का यहाँ पे हमने व्यवस्था की हुई है। और इसका जो फीड है वो भी हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं, मोर देन 60 से 70 कैमरा इसके निगरानी में ये पूरा ईवीएम का जो स्टोरेज है वो यहाँ अवेलेबल है। और उमाकांता एकेडमी जो आप जानते हैं काफ़ी सिक्योर प्लेस है, और पूरी तरीके से इसको पुलिस की तरफ से घेरा हुआ है ताकि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे और हो ना पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये ऐसी बनी रहेगी, जो काउंटिंग 4 तारीख को होगा उसके दौरान भी यहीं पे काउंटिंग होगी। उसकी भी जो तैयारियाँ हैं काफ़ी कम्प्लीट हो गई हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि काउंटिंग भी बहुत ही शांतिपूर्ण और बड़े ही सभ्य तरीके से होगी। सर, पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट है उसको रहने के लिए कोई? पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स के लिए हमने दोनों ही बिल्डिंग्स के पास में व्यवस्था की हुई है। इसमें उनके रुकने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे बैठने के लिए सुविधा है, कूलर है, टीवी है देखने के लिए, इस तरह की कई सुविधाएं की हुई हैं उनके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जनरली वो लोग आते हैं फिर बीच में अपने काम से चले जाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उनकी इस तरफ से कोई ना कोई यहाँ रहता है। सीआरपीएफ हैं और स्टेट पुलिस की तरफ से हैं और टीएसआर की तरफ से हैं, तीनों ये सर्विसेज के लोग यहाँ पे हमेशा 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कितने कैमरा है? टोटल मैं उम्मीद करता हूँ कि 60-70 से ज़्यादा कैमराज हैं। कितने रूम में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम है? 14 रूम हैं जो पोल्ड ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम हैं, और इसके साथ साथ और भी ऐसे ही 14 और भी रूम्स हैं जिसमें बाकी सामान जो स्टैचूटरी पेपर्स हैं अथवा पुराने जो ईवीएम यूज़ में नहीं हुए वो रखे गए हैं। तो मेनली 28 से 30 यहाँ पे इस तरह के रूम्स हैं जिसमें से 14 स्ट्रॉन्ग रूम हमारे ओल्ड ईवीएम के लिए हैं। फायर सर्विस के लिए भी 24x7 यहाँ पे एक पूरा बड़ा फायर टेंडर रखा हुआ है, और उनके 3 से 4 जो फायर मैन हैं वो यहाँ पोस्टेड रहते हैं 24 घंटे ड्यूटी।
यहाँ से।